हेलो दोस्तों, आज मैं पनीर पास्ता बनाने जा रही हूँ। बच्चों का फेवरेट नाश्ता। पहले मैं पनीर छेना का पानी से इसको दूध फाड़ लूँगी। एक लीटर दूध है। देखिए दोस्तों, अच्छे तरह से फट गया है पनीर। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बांध करके रख दूंगी। दोस्तों, पैन में पानी चढ़ा दिए हैं पास्ता उबालने के लिए। फ्रेंड, इसको उबालते समय आधा चम्मच नमक और एक चम्मच रिफाइन ऑयल डाल करके उबालेंगे। एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से उबल जाएगा। दोस्तों, पनीर पास्ता के लिए 100 ग्राम पनीर है, 2 टमाटर, 2 प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन, हरा मिर्च और 2 गाजर। पूरी सामग्री तैयार कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ पास्ता तैयार करने। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। पहले मैं पास्ता को फ्राई कर दूंगी। इससे टेस्ट बहुत ज्यादा ही आता है। पास्ता कच्चा कच्चा जैसा नहीं लगता है टेस्ट में।
स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सूखा लाल मिर्चा पाउडर, दो टमाटर काट के डाले हैं, आधा चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच चिली सॉस, एक कटोरी नूडल्स उबाल करके डाल रहे हैं।